मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? ओके, तो अभी तक का हमारा जो भी टॉपिक हम लोगों ने डिस्कशन किया था, उसमें हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे थे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों ने देखा था कि जो प्रॉपर्टी नंबर्स पे डिपेंड करती है लेकिन नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, उसको हम लोग बोलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसमें हम लोगों ने रिलेटिव डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखा था, रिलेटेड विद दैट अवर राउल्ट्स लॉ। फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसके लिए हम लोगों ने जो भी डिस्कशन किया था वो मोलल कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे था। डेल्टा टी बी इज प्रपोर्शनल टू एम वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिया था, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने वाला है। सॉल्वेंट के मुकाबले सॉल्यूशंस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, यानी उसको वेपर प्रेशर जनरेट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो आज हम दूसरा टॉपिक लेंगे, दैट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो वाला कॉन्सेप्ट पे हम लोग फोकस करेंगे। तो चलो हम लोग चैप्टर की स्टार्टअप करते हैं। तो ये चैप्टर में हम लोग आज के टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, तो आज के टॉपिक में हम लोग डिप्रेशन ऑफ ए फ्रीजिंग पॉइंट देखेंगे और उसके रिलेटेड जो भी सम है, दैट इज 2.9 और 2.10, उसको हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन द फ्रीजिंग पॉइंट। सो जब हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ किसके वर्सेस किसका, तो हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे वेपर प्रेशर वर्सेस द टेम्परेचर का। जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें एक पॉइंट मिलेगा टी नॉट एफ वाला और दूसरा पॉइंट हमें मिलेगा दैट इज टी एफ। हम लोगों ने आगे एलिवेशन ऑन बॉइलिंग पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा था, जो टी नॉट एफ है और टी नॉट बी था वो हमारा प्योर सॉल्वेंट के लिए था और टी एफ और टी बी जो था वो सॉल्यूशन के लिए था। यहाँ पे एफ फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्कस करेगा, इसलिए टी नॉट एफ फॉर दी लिक्विड सॉल्वेंट एंड टी एफ दैट इज फॉर दी सॉल्यूशन। तो जब हम लोग इसको हम लोग प्लॉट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये वाले पॉइंट पे, यानी यहाँ से ये वाला जो पॉइंट हमारा मिला दैट इज टी नॉट एफ, ये हमें क्या मिला, दैट इज दी फ्रीजिंग पॉइंट फॉर द सॉल्वेंट। और ये वाला पॉइंट हमें क्या मिला, दैट इज दी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। यानी हमारे पास एक पॉइंट बचा, कौन सा पॉइंट बचा, यानी ये वाला पॉइंट बचा, दैट इज द डिफरेंस। ये वाला पॉइंट ये क्या डिस्कस कर रहा है, ये ऐसा पॉइंट है जो दोनों का डिफरेंस शो कर रहा है। यानी हमें फोकस किसके ऊपर करना है, तो हमें ये वाले पॉइंट के ऊपर फोकस करना है। ये वाला जो डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है, या फिर हमारे पास ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को हमें डिस्कशन में लेना है। यानी ये फ्रोजन सॉल्वेंट है, ये जो हमारा जो कर्वेचर है वो कर्वेचर क्या शो कर रहा है, कर्वेचर हमें ये शो कर रहा है, तो सबसे ज्यादा जो पॉइंट है वो हमारा लिक्विड सॉल्वेंट का है और सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है वो सॉल्यूशंस का है। यानी इन बीच में, यानी लिक्विड सॉल्वेंट और सॉल्यूशंस के बीच में हमें क्या मिलेगा, फ्रोजन सॉल्वेंट मिलेगा। तो फ्रोजन सॉल्वेंट हम किसको बोलेंगे, तो फ्रोजन सॉल्वेंट वो है जिसके अंदर सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है, यानी लिक्विड पार्ट भी है और सॉलिड पार्ट भी है। तो ये दोनों को हम लोग जब टारगेट करेंगे तो वो वाला कॉन्सेप्ट हमें माइंड में फिक्स करके रखना है। तो लेट सी कि इसमें हम लोगों को क्या बोला गया है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ अ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इंस्टेड ऑफ हैविंग द बॉइलिंग पॉइंट, नाउ वी विल डिस्कस ऑन द फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमें ये चीज मान के रखनी है, जैसे आपका वेपर प्रेशर कम हो रहा था तो उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो रहा था, तो अभी वेपर प्रेशर जितना कम होगा, यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट की कंपेयर में फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा और सॉल्यूशंस का कम होगा, यानी जितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम होने वाला है। ये चीज आपको माइंड में रख के चलना है। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, द लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशंस कॉजेस अ लोअरिंग ऑफ अ फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर टू दैट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। सो जितना वेपर प्रेशर हमारा कम बन रहा है, दैट विल बी अ लोअरिंग द फ्रीजिंग पॉइंट एज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट, जो हमने यहाँ पे फिगर से देखा। वी नो दैट एट अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस द सॉलिड फेज इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड फेज। डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब हम लोगों ने 11th के चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था, जो हमें इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट दिखाता है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, लेफ्ट से राइट में और राइट से लेफ्ट में, यानी प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट और रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, वो हमें कंपेरेबल मैनर में मिलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सो
The freezing point of a substance may be defined like the temperature at which the vapor pressure of a substance in a liquid phase is equal to the vapor phase or vapor pressure in the solid phase. So that is our freezing point definition. So a solution will freeze when its vapor pressure equals to the vapor pressure of a pure solid solvent, which is clear from the graph. So according to the Raoult's law, when a non-volatile solute is added to that solvent, its vapor pressure decreases, and now it would become equal to that of a solid solvent at the lower temperature. And so we can say that the freezing point of a solvent decreases. तो यहाँ तक हमने क्या चीज माइंड में सेट करके रखी? तो ये वाला पॉइंट हमें माइंड में सेट करके रखना है. फर्स्ट वाला पॉइंट, दैट इज द लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन. किसकी वजह से हो रहा है? सो इट इज कॉज्ड बाय द लोअरिंग ऑफ अ इट कॉजेस अ लोअरिंग ऑफ अ फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर टू दैट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट. यानी हमें सब जगह पे प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजंस में लेना है. तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस क्या होगा? तो जब हमारे पास सॉलिड फेज, जो सॉलिड फेज है वो किसके डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेगा? लिक्विड के डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट. पे हमें क्या चीज मिलेगी? सॉलिड और लिक्विड दोनों इक्वल मिलेगा. यानी लिक्विड जो दिया गया है वही सॉलिड है, और जो सॉलिड दिया गया है वही लिक्विड है. वो हमें कहाँ पे काम लगेगा? जब हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट आएगा, तब ये वाला पॉइंट काम में आएगा. द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस इन लिक्विड फेज विल बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर इन अ सॉलिड फेज. यानी फ्रीजिंग पॉइंट में अब हम लोगों ने आगे देखा था लिक्विड फेज और सॉलिड फेज इक्विलिब्रियम में, यानी कि दोनों का वेपर फेज भी क्या है? इक्वल है. तो फ्रीजिंग पॉइंट में लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर दोनों क्या है? सेम है. सो अ सॉल्यूशन विल फ्रीज व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट, विच इज क्लियर फ्रॉम दैट. तो यहाँ पे हम लोग वेपर प्रेशर क्या करेंगे, हम उसको दिखाएंगे. यानी ये वाला जो पॉइंट हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, ये वाला जो पॉइंट सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर ये बना, तो उस टाइम पे लिक्विड का भी वेपर प्रेशर ये ही बनने वाला है. यानी ये वाला जो पॉइंट है ये हमें सब दिखा रहा है. सो अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ, अब राउल्स लॉ ने हमें क्या बोला? व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉलिड इज एडेड टू दिस सॉल्वेंट, its vapor pressure decreases and now it would become equal to that of a solid solvent at a lower temperature. So the freezing point of a solvent decreases. यानी freezing point क्यों कम हो रहा है? तो जब हम solvent के अंदर non-volatile solute डाल रहे हैं तो vapor pressure कम होता जा रहा है. वो कहाँ तक कम होगा? जब तक हमारे पास ये वाला फ्रोजन वाला कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा तब तक. यानी वो फ्रोजन, ये पहले लिक्विड फेज था और यहाँ पे वो सॉलिडिफाइड हो जाएगा, यानी वो 50% पे शो करेगा. या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, यानी 30-40 का 60-40 का रेशियो है, 70-30 का रेशियो है, या 80-20 का रेशियो है. तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमें राउल्ट्स लॉ में दिखाई दिया था, और यहीं पे हमको ये वाला कॉन्सेप्ट भी माइंड में सेट करके रखना. तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो आगे वाले पॉइंट में हमें क्या बोला गया है? तो डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट, सो लेट्स वी कैन डिस्कस द टी नॉट एफ विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट. यानी हमें क्या बोला गया है? ये वाला पॉइंट हमें बोला गया है, दिस इज द टी नॉट एफ, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट. टी एफ क्या है हमारे पास? तो ओके, freezing point when a non-volatile solute is dissolved, yani that is for the solutions, this one. और इन दोनों का जो difference है वो हम क्या show करेंगे? Delta TF के basis पे हम लोग उसको show करने वाले हैं. So decrease in the freezing point would be a delta TF is equal to T naught F minus TF. यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास T naught F क्या है? That is the सॉल्वेंट माइनस, यहाँ पे हमें क्या करना है? सॉल्यूशन.
उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, सॉल्यूशंस माइनस सॉल्वेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशंस, यानी आपको एक चीज माइंड में रखनी है, यहाँ पे आंसर आपका पॉजिटिव ही आना चाहिए। ओके नेक्स्ट, तो हमें यहाँ पे सिमिलर टू दैट एलिवेशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट द डिप्रेशन ऑफ ए फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टी एफ फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी। तो जो चीज हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ी थी, तो जो चीज हम लोगों ने सिमिलर टू दैट एलिवेशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इज प्रोपोर्शनल टू एम पढ़ा था, तो यहाँ पे भी डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम ही आएगा। सो यहाँ पे डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम दैट वी कैन से दैट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इनटू एम। तो जहाँ पे लास्ट वाली थियरम में के बी था वहां पे अब हमें क्या करना है, के एफ करना है, यानी जहां जहां पे भी बी था वहां वहां पे हमें क्या करना है, एफ करना है। So the proportionality constant that is Kf, which depend on the nature of a solvent, is known as the freezing point depression constant or the molar depression of a constant or a cryoscopic constant. So the unit would be a Kelvin kilogram per mole for that particular delta T. तो अब हम उसका discussion करेंगे. Suppose अभी हमें दिया गया है W2 gram of a solute is added or having molecular mass of M2 gram of a solvent produces the pressure, produces the depression in the freezing point of a delta TF and present in the W1 gram of a solvent, then the molality of a solute is given by the equations small m is equal to W2 by M2 upon W1 by 1000. So, इसको हम लोग कैसे लिख पाएंगे? इसको हम लोग लिखेंगे W2 into 1000 divided by capital M2 into W1. ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा मिलेगा। तो अब हम जो फॉर्मूला है, कौन सी फॉर्मूला है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, के एफ इंटू एम, उसमें हम लोग ये वाली फॉर्मूला को सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू टू बाई एम टू डिवाइड बाई डब्ल्यू वन बाई थाउजेंड। सो उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या जनरेट होगी, तो हमारे पास फॉर्मूला जनरेट होगी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू टू इंटू थाउजेंड अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन। अभी हम एम टू को सब्जेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एम टू दैट इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू टू इंटू थाउजेंड अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू वन। तो यहाँ पे सिर्फ आप ये वाली फॉर्मूला भी लर्न करोगे तो भी चलेगा, कौन सी, दिस वन, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू टू इंटू थाउजेंड अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन। तो ये वाला पॉइंट हमारा एग्जैक्टली सेम था जैसे हम लोगों ने डेल्टा टी बी के बेसिस पे हम लोगों ने देखा था। तो डिप्रेशन ऑफ अ फ्रीजिंग पॉइंट में अब हम आगे बढ़ेंगे। सो दस फॉर द डिटरमाइनिंग द मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट वी शुड नो द क्वांटिटी ऑफ अ डब्ल्यू वन दैट इज सॉल्वेंट और सॉल्यूट एंड दैट ऑफ अ डेल्टा टी अलॉन्ग विद द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कॉन्स्टेंट। सो वैल्यू ऑफ अ के एफ एंड के बी विच डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ अ सॉल्वेंट कैन बी एसर्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशंस। ये वाले फॉर्मूला आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए याद रखना है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन एंड दैट अगेन दैट इज द डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, सो वो फॉर्मूला में हम लोग एंथैल्पी डिफरेंस हम क्या लेंगे, तो एंथैल्पी डिफरेंस के लिए हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट लेंगे, एंथैल्पी डिफरेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट एंथैल्पी। ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। तो जब फ्यूजन बोलेंगे तो फ्यूजन एंथैल्पी हो जाएगी, वेपराइजेशंस बोलेंगे तो वेपराइजेशंस एंथैल्पी हमें मिलने वाली। सो हियर द सिंबल आर एंड कैपिटल एम वन
that is this one. R stands for the gaseous constant and M stands for the molar mass of a solvent respectively. TF and TB denoted for the freezing point of, and the boiling point of a pure solvent respectively in Kelvin. And further, delta fusion enthalpy and vaporization enthalpy represent the enthalpies for the fusion and the vaporizations of a solvent respectively. तो ये वाला फॉर्मूला सिर्फ आपको यहाँ पे लर्न करके रखना है. पहले के टाइम में वो कॉन्सेप्ट पूछ रहे थे, अभी इसका कोई यूटिलाइजेशन ज्यादा नहीं होगा, लेकिन वन मार्क्स के क्वेश्चंस में ये वाली फॉर्मूला आपको आ सकती है. तो ये फॉर्मूला लर्न करके रखो. ओके, तो अब हम लोग सॉल्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2.9. तो 2.9 में हमें क्या बोला गया है, 2.9 में हमें बोला गया है कि 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल हम लोगों ने आगे भी देखा था, उसका मोलिकुलर मास हम लोगों ने 62 फाइंड आउट किया था, विच इज मिक्सड विद द 600 ग्राम ऑफ वाटर. सो यहाँ पे 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल है, यानी ये सॉल्यूट है, और ये 600 ग्राम है, यानी ये वाली हमारी सॉल्वेंट है. सो कैलकुलेट क्या करना है हमें, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फाइंड करना है और दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी दो क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज रिलेटेड टू दैट ऑफ अ मोलालिटी, दैट इज डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम. सो देयरफॉर द मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द इथिलीन ग्लाइकोल हम लोग पहले फाइंड कर लेंगे. सो दैट वुड बी अ मोल्स बाय मॉलिक्यूलर मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर इन किलोग्राम. So moles of ethylene glycol हम कैसे find out करेंगे, mass by molecular mass that is 45 divided by 62, so we'll get 0.73. फिर mass of water हमें क्या दिया गया है kg में, that is 600 gram है, तो divide by 1000 करेंगे, यानी 0.6. So molality हमें क्या मिलेगी, 0.73 by 0.60, so we'll get 1.2 mole per kilogram. So therefore the freezing point depression would be डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम दैट इज 1.86. अभी ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आएगा कि ये वाली फिगर कहाँ से आई है. सो 1.86 किलोग्राम पर मोल, ये जो फिगर है आपको आपके टेबल में मिल जाएगी, यहाँ पे नहीं दिया गया है लेकिन एग्जाम में आपको दी जाएगी के बी और के एफ की वैल्यू. सो 1.86 इंटू 1.2 विल गेट दी 2.2 केल्विन, यानी हमारा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या आया, 2.2 केल्विन का हमारा आंसर आया. अभी दूसरा क्वेश्चन क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है. सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वियस सॉल्यूशंस, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या थी, तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला थी डिफरेंस इज इक्वल टू सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, ये वाली हमारी फॉर्मूला थी. तो डिफरेंस हमारा कितने का बना, तो डिफरेंस हमारा यहां पे बना है 2.2 का. फिर हमारा सॉल्वेंट यानी वाटर है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 273.15 माइनस यहां पे क्या है, सॉल्यूशन. यानी सॉल्यूशंस को जब हम सब्जेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 273.15 माइनस 2.2. सो हमारा सॉल्यूशंस के लिए क्या मिलेगा आंसर, दैट इज 270.95 केल्विन हमारा आंसर. तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमें यहाँ से मिलेगा, तो ये थोड़ा आप यहाँ पे समझ लें. या फिर ये वाला पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है, या फिर आपको ये वाली चीज बहुत ज्यादा लग रही है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप छोड़ो ये, और आप ये वाली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो. कौन सी, सो दिस वन, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 डिवाइड बाई एम टू इंटू डब्ल्यू. तो ये वाली फॉर्मूला में आपको क्या करना है, ये वाली फॉर्मूला में आपको यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देना है, दैट इज इक्वल टू 1.86 इंटू डब्ल्यू टू क्या है, दैट इज सॉल्यूट मीन्स 45 into 1000 whole divided by 62, that is mass of water, mass molecular mass of ethylene glycol into yahan pe 600 gram, that is the solvent.
So you will also get your answer would be, you will directly get 2 point. So ये वाली formula भी आप यहाँ पे utilize कर सकते हैं. तो ये रहा आपका solutions, यानी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये formula use करके direct ये कर दो तो भी आपका answer आ जाएगा. तो ये पूरा चीज ना करना हो तो ये वाली फॉर्मूला से भी आपका आंसर आने वाला है. सो यू कैन गो आइदर ऑफ द मेथड. ओके, सो वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन, दैट इज द एग्जांपल नंबर 2.10. इन 2.10 वी हैव गिवन दैट इज 1 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट विच इज डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन. सो 1 ग्राम है यानी ये सॉल्यूट हो गया, 50 ग्राम बेंजीन है यानी वो सॉल्वेंट है. विच लोअर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ बेंजीन बाय 0.40. यहाँ पे वर्ड दिया गया बाय 0.40 यानी ये हमें डेल्टा टी एफ दिया गया. फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट फॉर द बेंजीन हमें दिया गया है 5.12, दैट इज के एफ इज गिवन. सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोलर मास हमें फाइंड आउट करना है. तो हमारा यहाँ पे क्या स्टेप्स बनेगा, तो हम लोग ये वाली फॉर्मूला रखेंगे m2 is equal to kf into w2 into 1000 divide by kf into w1. तो अभी हमारे पास kf क्या दिया गया है, सो kf की वैल्यू हमारे पास है 5.12, फिर w2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज 1.00 ग्राम. उसके बाद हमारे पास जो डिफरेंस है डेल्टा tf है वो हमें क्या दिया गया है, That is 0.40, डायरेक्ट ही दिया गया है. उसके बाद हमें W1 क्या दिया गया है, W1 हमें दिया गया है 50. तो ये सारी जो चीज है, ये जो सारी वैल्यूज है हम लोग कहाँ पे रखेंगे, ये फॉर्मूला में रखेंगे. सो दैट इज 5.12 इंटू 1 इंटू 1000 डिवाइड बाई 0.40 इंटू 50. सो पुट करेंगे तो हमें वही वैल्यू क्या आ जाएगी, 256 ग्राम पर मोल हमारा आंसर आ जाएगा. सो दस द मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट इज 256 ग्राम पर मोल. सो इट इज द इजीएस्ट वन, सो यू कैन हैव दैट पर्टिकुलर एग्जांपल्स. सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे, तो कि ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग डिस्कस करेंगे. तब तक आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस है उसकी प्रैक्टिस करना, अदरवाइज हम लोग लेक्चर्स में उसका डिस्कशन भी करेंगे. सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू.